बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज़ इब्ने जबल कहते हैं कि मुझे पीठ के पीछे सवार किया हुआ था आपने, सवारी के ऊपर, ऊंट पे सवारी चलना शुरू हुई तो आप फरमाया मुआज़, मैंने कहा लब्बाई का या रसूल, या रसूल आज़िम, फरमाया कि मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ तो या रसूल मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर थोड़ी सवारी आगे की, आपने कहा मुआज़, कहा लब्बाई का या रसूल, मुआज़ जानते हो कि अल्लाह ताला का अपने बंदों पर क्या हक है, आप बेहतर जानते। आप फरमाया कि अल्लाह का अपने बंदों पे ये हक है कि उसका बंदा अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराए और सिर्फ उसकी इबादत करे। और फिर जब सवारी थोड़ी और आगे की, आपने कहा मुआज लब्बाई कह, जानते हो जो बंदा ये कर ले कि अल्लाह की इबादत करे, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए, फिर उस बंदे का अपने अल्लाह पर क्या हक है। हाय हाय अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया ऐसे बंदे का अपने रब पे ये हक है कि अल्लाह उसको अजाब ना दे और जन्नत में दाखिल करे। तो सर अल्लाह अगर अपने बंदों से हुकूक मांग रहे हैं ना, अपना ये हक मांग रहा है कि मेरी इबादत करो, तो इसके अगेंस्ट वो दे रहा क्या है, हमेशा की जन्नत।